स्वागत है अपने YouTube चैनल डॉक्टर मणि में। दोस्तों आज हम आपको अनानास खाने के फायदे के बारे में बताने जा रहे हैं कि अनानास खाने से लोगों को क्या फायदा होता है और इसको खाने से कौन कौन सी बीमारियां सही हो जाती हैं। दोस्तों क्या इस अनानास को हमें ज्यादा मात्रा में खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? दोस्तों अगर अभी तक आप डॉक्टर मणि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले, शेयर कर ले ताकि आपके बीच में और भी अच्छी अच्छी वीडियो हम लाते रहें। दोस्तों अनानास में जो होता है इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जिससे आपके बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं, और इसमें भरपूर मात्रा में पानी पाया जाता है, लगभग 80% इसमें पानी पाया जाता है, और इस अनानास में बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। तो इसको आप खा करके आप अपनी बहुत सारी बीमारियों को सही कर सकते हैं और आराम पहुंचा सकते हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं कि इस अनानास को खाने से या पाइनएप्पल को खाने से हमारे शरीर में कौन कौन से फायदे होते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो अनानास को खाने से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। मान लीजिए आपकी हड्डियां, आप कहीं गिरे हल्का फुल्का, आपको चोट लग गया, कहीं थोड़े ऊपर से आप कहीं गिरे तो आपकी हड्डियां टूट गई या फ्रैक्चर हो गया, तो उतने समय इस समस्या से आप बच सकते हैं। अगर अनानास का सेवन आप कर रहे हैं तो आप बच सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि अगर आप को बहुत ज्यादा अस्थमा की शिकायत है, आपकी सांस फूलने लगती है, तो उतने समय भी अनानास आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। और इसके साथ साथ अगर आपके दांत दर्द करते हैं या आपके मुंह से बदबू आता है तो उतने समय भी अनानास आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। और अगर आप अनानास का सेवन कर रहे हैं तो आपके हृदय संबंधी अगर कोई भी दिक्कत है या परेशानी हो रही है तो उसे समय भी आप इस अनानास को खा करके आप अपनी हृदय संबंधी बीमारियों को आप सही कर सकती हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको सर्दी जुकाम बार बार हो रहा है और आपका सर्दी जुकाम जो होता है वह सही नहीं होता है, तो उतने समय इस अनानास का सेवन करके आप अपनी सर्दी जुकाम को सही कर सकते हैं। दोस्तों यह अनानास जो है यह आपके शरीर के लिए पौष्टिक आहार है, चाहे इसको आप जूस के रूप में पिए या आप इसको ऐसे पका हुआ खाएं, तो आप दोनों तरह आप अपने शरीर के लिए या आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद यह अनानास पहुंचाएगा। मान लीजिए आपके शरीर का वजन ज्यादा बढ़ जाता है तो आप चल फिर नहीं पाते हैं, थोड़ा दूर चलते हैं तो आपकी सांस फूलने लगती है, या वजन बढ़ने के कारण आप डायबिटीज के पेशेंट हो जाते हैं, उतने समय अनानास का सेवन करके आप अपना वजन कम कर सकते हैं अगर आपको शुगर नहीं है या आपको डायबिटीज नहीं है। इसके साथ साथ अगर आपका हमेशा जी मचलाता है तो उतने समय भी आप अनानास का सेवन करके आप अपने जी मचलाने वाली समस्या को भी आप सही कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अनानास खा करके अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को आप बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आपको बार बार फीवर हो रहा है या बार बार कोई और परेशानी हो रही है, आपका हमेशा तबीयत खराब होता रहा है, उतने समय यह है आपकी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने का काम करता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। तो अगर इसका सेवन आप कर रहे हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसके साथ साथ आप अपने पाचन शक्ति को भी अच्छी तरह मजबूत बना सकते हैं। अगर इस पाइन एप्पल या अनानास का सेवन कर रहे हैं तो मान लीजिए आपको बार बार दौड़ के, जैसे कुछ खाते हैं आपको दौड़ के भागना पड़ता है लैट्रिन जाने के लिए, उतने समय इस समस्या से अगर आप परेशान हैं तो अनानास को खा करके आप अपनी सभी समस्याओं को आप सही कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप रक्तचाप या हाई बीपी के शिकार हैं तो उतने समय भी आप अनानास खा करके अपने रक्तचाप या हाई बीपी की समस्या को आप सही कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ अगर आपके बाल पक रहे हैं या झड़ रहे हैं तो उतने समय भी अनानास बहुत ज्यादा फायदा आपके बालों को पहुंचाता है, तो उतने समय इस अनानास को खा करके अपने बालों की समस्या को भी आप सही कर सकते हैं। या बार बार आपको कोई स्किन एलर्जी हो रही है, जैसे दाद खाज खुजली हो रहा है, तो उतने समय भी यह बहुत कंट्रोल करता है उस स्किन एलर्जी को। दोस्तों चलिए जानते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में इतने सारे फायदे पहुंचाते हैं। दोस्तों इस अनानास में पानी आपको मिल जाता है, उसके बाद प्रोटीन मिल जाता है, फाइबर मिल जाता है, कैल्शियम मिल जाता है, उसके साथ साथ शुगर इसमें मिल जाता है, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, ऐसे बहुत सारे आपको तत्व मिल जाएंगे इस अनानास में अगर इस चीजों का आप प्रयोग कर रहे हैं तो। अगर आपके शरीर में इन सब पोषक तत्वों की कमी हो गई है तो इसको लेकर के आप अपने शरीर के इन सभी पोषक तत्वों को आप पूरा कर सकते हैं और आपके इम्यूनिटी पावर को यह मजबूत करता है। दोस्तों चलिए जानते हैं कि किन किन लोगों को अनानास या पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए। दोस्तों जिनको ब्लड शुगर है उन लोगों को इस अनानास को नहीं खाना चाहिए। और दूसरी बात कि अगर आप इस अनानास का सेवन ज्यादा मात्रा में करते हैं तो आपको कब्ज की शिकायत हो सकती है। इसके साथ साथ कुछ लोगों को अगर मान लीजिए अनानास खाते हैं तो उनको एलर्जी होने लगती है, खुजली होने लगती है, जीभ में सूजन होने लगता है, मुंह में सूजन होने लगता है, वह लोग इस अनानास को ना खाएं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो डॉक्टर मणि चैनल को फॉलो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ आप इस तरह प्यार बनाए रखें। देर ना करते वीडियो को ही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।